वेलकम बैक टू द व्लॉग उज़फ़्फ़र शाकी। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और ये देखें, ये है मेरे पास हिबिस्कस की कटिंग। ये मैंने अपने ही प्लांट से कटिंग करके लाया है, ये देखें फ्रेंड्स। और कितने बड़े बड़े फ्लावर आए हुए हैं इसमें। तो ये मैंने अपने अभी गार्डन से कटिंग किया है इसको, और आज मैं आपको इसको प्रोपोगेट करना सिखाऊँगी कि कटिंग को कैसे ग्रो करते हैं। तो ये देखें, ये रहा है हिबिस्कस का कटिंग। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत चीज़ें मिस कर दोगे लगाने का तरीका। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें कैंची की ज़रूरत होगी। सबसे पहले इसका ये सारा जो भी इसको हटा लेते हैं, ये देखें फ्रेंड्स, वरना इसको इसकी जब रूट आएगी तो प्रॉब्लम होगी, जब ये सारे पत्ते रहेंगे तो इसीलिए सबसे पहले सारे पत्ते को हटा ले रहे हैं। और ये देखें फ्रेंड्स, ये है इसका नोड एरिया। तो जब भी रूटिंग होती है तो यहीं से रूट आती है इसकी, ये देखें, ये नोड एरिया है। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने सारे पत्ते रिमूव कर लिए हैं, और इसको फ्लावर को भी हटा देना है, ये फ्लावर नहीं रखना है। तो मैं इसमें एक भी पत्ता नहीं रखूंगी, इसमें खुद ही नए नए पत्ते आ जाएंगे। इस तरह से मैंने ऐसे तिरछा कटिंग इधर भी लगा दिया है। और ये देखें फ्रेंड्स, ये है नोड एरिया। तो आप लोगों को इस तरह से तिरछी कटिंग करनी है। तो देखें, ये है मेरे पास ब्लेड, तो मैं इसी से करूँगी। अगर आपके पास कटर है तो आप उससे कर सकते हैं, पर इस तरीके से आप लोगों को तिरछी कटिंग काटनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका नोड एरिया। जैसे देखें, ये इसको मैंने इसके भी पत्ते मैं रिमूव कर ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको भी मैंने ऊपर से भी ऐसे तिरछा कटिंग किया हुआ है। और ये देखें फ्रेंड्स, जैसे इसको मैंने इस तरह से तिरछी कटिंग की हुई है। तो आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह से, और बिल्कुल ये शार्प कटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल एक बार में इस तरह से कटिंग हो जानी चाहिए, तभी ये अच्छे से इसमें रूट्स वगैरह आएंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास कटर नहीं है तो ये ब्लेड की मदद से आप कटिंग कर सकते हैं, पर केयरफुली करना, नहीं तो इससे कट वगैरह लगने का खतरा रहता है। तो ये हमारा नोड एरिया है, तो यहीं पे से हमको कटिंग करना है। तो ये देखें फिर इस तरह से, देखें एक बार में इस तरह से तिरछी कटिंग करनी है। देखें फ्रेंड्स, इस तरह से। तो चलिए, ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसको लगाना कैसे है मिट्टी में, वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए, तो ये देखें फ्रेंड्स, तो हमारी कटिंग दोनों की हो गई है। तो मैंने दोनों को कट कर लिया है, और ये बिल्कुल तिरछा कटिंग होना चाहिए। ये ऊपर का नहीं भी होगा तो चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तिरछा काटे या सीधा काटे, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये जिस तरफ से रूट्स निकलता है उस तरफ की कटिंग बिल्कुल तिरछी होनी चाहिए। और ये देखें फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं हूँ। ये इसका नोड एरिया, ये देखें, ये इसको नोड एरिया बोलते हैं। यहीं से हमारी रूट्स निकलती हैं, ये देखें फ्रेंड्स, ये नोड एरिया। तो जब भी आपको कटिंग करना है तो इस तरह से, यहाँ से कटिंग करना, क्योंकि ये नोड एरिया है, मेन यही है। अगर यहाँ से कटिंग कर दोगे तो फिर नहीं आपकी रूट्स निकलेगी। ये नोड एरिया है, इस तरह से आपको यहाँ से सटा के ऐसे कटिंग, तिरछा कटिंग करना, और इस तरीके से आप लोगों की कटिंग बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है फ्रेंड्स एलोवेरा जेल, और कोई भी मैं रूटिंग हार्मोन कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। जब भी मैं लगाती हूँ कटिंग,
मैं हमेशा एलोवेरा जेल का ही यूज़ करती हूँ और इससे 100% आपको जो है बेटर रिजल्ट मिलेगा। रूटिंग हार्मोन से बेटर है ये, मैं इसको बेटर मानती हूँ। मैं जितने भी मैंने कटिंग्स लगाए हैं तो कभी भी मेरे कोई भी कटिंग्स फेल नहीं हुए हैं, मैं इसी से लगाती हूँ। तो इसका मेरे पास प्लांट है तो मैंने अभी अपने प्लांट से लाया है। तो ये देखें, ये एलोवेरा जेल है और ये देखें फ्रेंड्स, ये है हमारे पास साफ इस तरीके का। आप लोगों को मार्केट में ये फंगीसाइड है, मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये देखें फ्रेंड्स, ये साफ पाउडर है और आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो क्योंकि अभी बारिश का टाइम है और बारिश के टाइम में ही ये कटिंग्स लगती हैं, तो कोई मिट्टी में फंगस वगैरह ना आए तो इसके लिए, और इसमें कोई रूट्स में फंगस नहीं लगे तो इसके लिए इसका यूज़ करना ज़रूरी होता है। मैं करती हूँ तो ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से मैं ऐसे साफ ले रही हूँ अपने हाथ में। और ये रहा एलोवेरा जेल, तो ये देखें फ्रेंड्स इस तरह से देखें फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छी तरीके से एलोवेरा जेल इसमें लगा लेना है। बढ़िया रूटीन के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। और ये देखें फ्रेंड्स, इसमें फंगस नहीं लगे हमारे कटिंग में, तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से मैंने इसमें ये फंगीसाइड लगा लिया है और मैं इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल और लगा ले रही हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, और इधर भी मैंने कट किया तो मैं थोड़ा सा ऐसे फंगीसाइड इधर भी लगा ले रही हूँ, कोई भी फंगस की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखें, इसमें ये लग गया एलोवेरा जेल। आप देखिए इस तरीके से मिट्टी में कम से कम ये 1-2 इंच अंदर जाना चाहिए फ्रेंड्स, देखो इस तरीके से। देखें फ्रेंड्स, और इसमें ये देखें फ्रेंड्स, अभी बारिश का टाइम है तो ये फंगीसाइड का पानी है, इसमें मैंने पानी में थोड़ा सा बस इतना सा फंगीसाइड मिला के इसको तैयार किया है। तो इसमें इसको डाल दूंगी मिट्टी में, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है तो मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं लगे। तो इस तरीके से, तो ये देखें, और इसको शेडी एरिया में रख देना है। जब तक इसमें पत्ते नहीं आ जाते हैं इसको शेडी एरिया में ही रखना, जब इसमें भर के पत्ते आ जाएंगे तब इसको लाइट में रखना है, क्योंकि हिबिस्कस को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, ये ठंडे में नहीं चलेगा। तो जब तक इसमें नए पत्ते नहीं आ जाते हैं फ्रेंड्स, इसको शेडी एरिया में ही रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ और समझा दे रही हूँ। तो ऐसे इसको कवर करने की फ्रेंड्स ज़रूरत नहीं है कटिंग को, मगर मैं ऐसे कर देती हूँ क्योंकि इसमें पत्ते जल्दी निकल जाते हैं। तो ऐसे बारिश का टाइम है, अगर आप ऐसे भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं कर देती हूँ आप तो अच्छा रहता है, जल्दी पत्ते निकल जाते हैं। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ आपको फिर से समझाने के लिए, क्योंकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। फंगीसाइड ये है, इसको साफ बोलते हैं फ्रेंड्स, तो ये फंगीसाइड है। तो इसको मैंने फंगीसाइड को इस तरह से बना लिया है पानी में घोल के, बस थोड़ा सा मैंने लिया है और इसी तरह से इस तरह का पानी बन गया तो मैंने इसको डाला है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह का आप लोगों को पॉलीथीन लेना है, ये देखें फ्रेंड्स, और इस तरह से आपको, तो फ्रेंड्स देखें इस तरह से आपको पॉलीथीन को इस तरह से अपने गमले में ऐसे इसको गमले को कवर कर देना है। और ये देखें फ्रेंड्स इस तरह से, और किसी भी चीज़ से अगर आप बांधना चाहें तो इसको गमले को बांध सकते हैं कि इसमें हवा एयर नहीं जाए, तो इसमें जल्दी से पत्ते आ जाते हैं नए। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसको पानी कैसे देना है कटिंग्स को। तो जब भी आपको लगे कि फिंगर की हेल्प से आपको गमले की मिट्टी चेक कर लेनी है, जब भी आपको लगे कि मिट्टी ड्राई है तभी उसको पानी देना है फ्रेंड्स। ज़्यादा मिट्टी को सौगी नहीं करना है, वरना इसकी स्टेम सड़ जाएगी, फिर आपकी कटिंग्स नहीं लगेगी। और इसको किसी शेडी एरिया में रख देना है, ठंडी जगह पे,
अभी इसको धूप में नहीं रखना है। जब इसमें पूरी तरह से फ्रेंड्स पत्ते आ जाएं तभी पॉलीथीन को हटाना, ये नहीं कि दो चार पत्ते हैं और आपने पॉलीथीन हटा दिया। जब पूरी तरह से फ्रेंड्स पत्ते आ जाए तो पॉलीथीन को हटा देना है और इसको तभी फिर ऐसी जगह में आपको शिफ्ट करना है जहाँ इसको थोड़ी सी सनलाइट मिले और थोड़ा सा छाया मिले। डायरेक्ट अगर इसको फिर पत्ते आने के बाद आप सनलाइट में रख दोगे तो इसको प्रॉब्लम होगी फ्रेंड्स। इसको धीरे धीरे आदत होनी चाहिए इसको लाइट की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।